नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब हम मोहन मंत्र, आकर्षण के लिए मोहन सम्मोहन इन विद्याओं का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इन विद्याओं को गुप्त रखने का निर्देश है, लेकिन इसमें कुछ छोटी साधनाएं और तुच्छ कोटि की साधनाएं हैं, तुच्छ हैं, और जो साधारण हैं तो उनका परिचय कुछ ग्रंथों में है। तो हम, यहाँ प्रमाणिक ग्रंथ है उडीष तंत्र, रावण द्वारा रचित है, तो उसमें जो प्रयोग बताया गया है आपको, उसका हम यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, उस मंत्र को और उस मंत्र को उपयोग करने की विधि को आपको यहाँ बता रहे हैं। ओम रेम काली कपालिनी घोरनादिनी विश्वम विमोहय जगन्मोहय सर्वम मोहय मोहय ठह 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 स्वाहा। ये मंत्र है जो मैंने यहाँ उच्चारण किया, इसको पुनः से उच्चारण कर देता हूँ मैं, और इसको एक ही बार में।
चाहिए, स्वर भंग नहीं होना चाहिए। लय भंग और स्वर भंग हुए बगैर ये मंत्र को आपको 1,00,000 जाप करेंगे, उसके बाद में सिद्धि प्राप्त होगी। और इसमें ध्यान रहे कि गुरु आपके साथ में हो तभी आप जाप करें, और बगैर गुरु दीक्षा लिए, बगैर गुरु के सानिध्य में बैठे किसी भी मंत्र को, केवल इसी मंत्र को ही नहीं, कतई सिद्ध न करें। इसका विवरण रावण द्वारा आगे बताया गया है, जिसको हम आपको बताएंगे कि उसने भी क्या निषेध किया है, क्यों वर्जित किया है, तो वो सब विधियां हमको आपको बताएंगे। पहले हम आपको ये मोहन मंत्र जो है, इसका हमने अभी यहाँ उच्चारण किया, पहले इसका वो बता दें मंत्र और विधि कि इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, कि जिससे किसी भी व्यक्ति का मोहन, सम्मोहन और आकर्षण किया जा सकता है। वशीकरण बात की क्रिया है, आकर्षण बुलाने तक है, सीमित रहता है। ये थोड़ा सा भेद समझ लें आकर्षण और वशीकरण में। और मोहन वो चीज होती है कि आप ऐसा मोहनी वो फेंक देते हैं कि सबके सब वशीभूत हो जाते, सम्मोहित हो जाते हैं। इसके लिए हम आपको इसी उसमें एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं, वास्तविक फिल्म है और सच्ची फिल्म है, और ये गोवर्धन परिक्रमा में, मथुरा से आगे गोवर्धन पर्वत है जिसे गिरिराज जी कहते हैं, गिरिराज जी परिक्रमा में किस प्रकार से मोहन या सम्मोहन किया गया कि वहाँ पर कुत्ते, बंदर, बिल्ली से लेकर के इंसान तक सब के सब बेहोश हो गए, सब सम्मोहित होकर के योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा का आह्वान योग माया जो हमारी कुलदेवी हैं तोमर राजवंश की, और उसका असर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप स्वयं इस फिल्म में, यहाँ पर जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें स्वयं देखेंगे कि इस मंत्र का, ये वाला मंत्र नहीं, यो वो तो योग माया और योग निद्रा का मंत्र वहाँ पर उच्चारण हुआ, और मात्र 1 बार उच्चारण किया गया और वहाँ सब बुरी तरह से बेहोश, सारे इंसान, पुजारी, मंदिर के कुत्ते, बंदर, बिल्ली सब पूरे इस तरह बेहोश हो गए कि आप वहाँ बहुत तेज तेज आवाज में, जब हम लोग बातें कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे लेकिन किसी को होश नहीं आ रहा था, सबके मुंह फटे पड़े थे। और किस तरह वहाँ पर योग माया, तो वह जो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कंस की जेल में, तब वहाँ पर योग माया ने ही अपना प्रभाव डाला था, योग माया ही ने सारे जो कंस के संतरी और पहरेदार थे उनको योग निद्रा में डाल दिया था, सबके सब बेहोश हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी निकल गए थे गोकुल की ओर। तो वो जो योग माया ने वहाँ पर जो खेल दिखाया था जब भगवान श्री कृष्ण उस जेल में से निकल गए थे, बिल्कुल वही का वही दृश्य हम आपको इस फिल्म में यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या होती है मोहन विद्या, सम्मोहन विद्या और आकर्षण विद्या, और इसका असर क्या होता है, कैसे होता है, आप स्वयं इस फिल्म में स्वयं देख लीजिए। ये गोवर्धन पर्वत का, गिरिराज पर्वत का मुखारविंद जति का पुरा का दृश्य है, और आप जानते हैं कि वहाँ पर प्रतिमा को छूना तो दूर, उसके दर्शन और स्पर्श तक वर्जित है। वहाँ पर हम दर्शन, स्पर्श और उनमें मत्था अपना टेक उनके चरणों में, और हमने वहाँ चित्र भी खींचे और वीडियो भी बनाए। और वह योग माया का, हमारी जो कुलदेवी हैं तोमर राजवंश की, पांडवों की, और उनका योग माया का ये असर था, उन्होंने किस तरह योग निद्रा में डाल दिया और किस तरह ये सब पूरा वीडियो बना, आप स्वयं अपनी आँख से देख लीजिए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ साक्षात किस रूप में मौजूद हैं, किस तरह मौजूद रहते हैं राधा जी और भगवान श्री कृष्ण, ये असर आप स्वयं देखिए। वहाँ योग माया किस तरह असर दिखाती है ये भी आप स्वयं इस वीडियो में देख लीजिए। अब हम पुनः मंत्र पर आते हैं, हालांकि ये तुच्छ कोटि के मंत्र कहे जाते हैं लेकिन साधारण मनुष्यों के लिए जो कुछ नहीं जानते उनके लिए तो ये काम के हैं ही।
लेकिन सावधानी ये रहे कि कोई उच्च कोटि का जो विशेषज्ञ होगा या साधक होगा वो इनको काट सकता है। और काटने पलटना का तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काट पलट उलट हमेशा ही 8 गुनी 16 गुनी 64 गुनी तक की हो करके वापस जाती है और फिर वो उल्टा असर हो जाता है। तो करें तो किसी उससे पंगा न ले लें या कोई ऐसे आदमी से जाकर के न भिड़ बैठें जिसकी कुंडली आपसे ज़्यादा बलवान हो या जिसका ज्ञान आपसे ज़्यादा बलवान हो या जिसकी साधना आपसे ज़्यादा बलवान हो, तो वहाँ पर आपको मात खानी पड़ेगी और पलट उलट कलट उसका सामना करना पड़ेगा। और उसका असर क्या होता है ये हम अपनी पहली फिल्मों में कईयों में बता चुके हैं। तो उसके साथ ही हम ये उड्डिष्ट तंत्र है रावण ने जो बताया है उसका यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये मोहन मंत्र। ओम ह्रीं काली कपालिनी घोरनादिनि विश्वं विमोहय जगन्मोहय सर्वं मोहय मोहय ठ ठ ठ स्वाहा। इसको 1,00,000 बार जप कर लेने से ये सिद्ध हो जाता है। फिर इसके उपयोग की विधि ये है, उपयोग की विधि भी इसमें वर्णित की है रावण ने कि इस मंत्र का जब आप 1,00,000 बार जप करके आप सिद्ध कर लेते हैं तो फिर श्वेत गुंजा रसय पेश्यम ब्रह्म दंडियाश्य मूलकम लेप मात्रम शरीराणाम मोहनम सर्वतो जगत ग्रहीत्वा तुलसी पत्रम छाया शुष्कम तु कार्येत अश्वगंधा समायुक्तम और विजया बीज संयुक्तम। कपिला क्षीर सहिता वटी रक्त प्रमाणत भक्षिता प्रातरुत्थाय मोहेत सर्वतो जगत और श्वेतार्क मूलम सिंदूरम पेशयेत कदली रसे अनयनेव तु तंत्रेण तिलकम लोकमोहनम बिल्वपत्रम ग्रहीत्वा तु छाया शुष्कम तु कार्येत और कपिला पैसार्धेन वटीं कृत्वा तु गोलकम एवस्तु तिलकम कृत्वा मोहेत सर्वतो जगत। अर्थात ये है कि ये जो मोहन मंत्र है जब आप इसको सिद्ध कर लें अपने गुरु से पहले इसको ग्रहण करें, गुरु ही इस मंत्र को आपको देंगे और जब गुरु आपको इस मंत्र को दे दें और फिर उनके सानिध्य में आप साधना करें इसे सिद्ध करें तो 1,00,000 जाप के बाद ये सिद्ध हो जाएगा। फिर इसको सिद्ध करने के बाद में मोहन मंत्र को सर्वतम विधि पूर्वक पूजनादि कर 1,00,000 बार जाप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर सफ़ेद घुंघची होती है, घुंघची जो है 3 प्रकार की आती है तो उसमें से हमें सफ़ेद घुंघची लेना। तो सफ़ेद घुंघची के सत्व जो सार होता है यानी जो रस में ब्रह्मदंडी एक प्रकार की बूटी होती है जो जंगलों में आसानी से मिल जाती है लेकिन आप बाज़ार से लेंगे तो महंगी मिलेगी। तो ये सफ़ेद घुंघची का जो सत्व है सार यानी रस और ब्रह्मदंडी की जड़ इनको जल में पीसकर अभिमंत्रित करके ये मंत्र से जो आप सिद्ध कर लेंगे इस मंत्र से अभिमंत्रित करके शरीर पर लेप करने से सारा जगत उस मनुष्य के वशीभूत हो जाता है। फिर रावण ने इसी मंत्र के जो दूसरे प्रकार के जो प्रयोग बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। ये तो एक प्रयोग हुआ, तुलसी पत्रों को छाया में सुखाकर, तुलसी जो रहती है घरों में लगी रहती, तुलसी पत्रों को छाया में सुखाकर भांग के बीज और असगंध के साथ मिलाकर गाय के दूध में घोंटकर एक एक रत्ती की वटिकाएं यानी गोलियां बना लें। एक एक रत्ती की वटिकाएं यानी गोलियां यानी कि आप ये समझिए कि चने के दाने के बराबर या मटर के बराबर की छोटी छोटी गोलियां बना लें। फिर नित्य प्रातः सेवन करने से इन गोलियों को वह मनुष्य जगत को मोहित कर लेता है, उसमें मोहन की बहुत तीव्र शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार श्वेतार्क की जड़, श्वेतार्क यानी मदार बोलते हैं उसको, श्वेतार्क की जड़ व सिंदूर को केले के रस, तो केले के रस में उसका सत्व ले लें या अर्क ले लें, उसमें पीस कर ललाट पर तिलक लगाने से जगत का मोहन होता है। और एक और प्रयोग है इसी मंत्र का, वह ये है कि बेलपत्र को छाया में सुखाकर
पीस लें और फिर गाय के दूध में मिलाकर थोड़ा गाढ़ा करके वही वटिका यानी गोली बना लें उसी प्रकार की, और उस गोली को अभिमंत्रित कर घिसकर तिलक धारण करने से भी जगत मोहित होता है। तो ये मोहन मंत्र है जो कि, और उसकी विधि है किस प्रकार से इसको उपयोग करना है, ये हमने यहाँ वर्णन किया। तो ये आपके काम की चीज़ है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सावधानी इसमें यही आपको रखनी है कि किसी उच्च कोटि के उससे आपका पालन न पड़ जाए। अब हम यहाँ आर्द्रपटी विद्या का वर्णन कर रहे हैं। आर्द्रपटी विद्या जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और जानी मानी है और ज़्यादातर प्रयोग भी की जाती है, अधिकांशतः प्रयोग की जाती है। मगर आर्द्रपटी विद्या का साधन करना, सिद्ध करना, या ये थोड़ा सा वो है, जब एक बार सिद्ध हो जाए तो फिर उसको तो बहुत आसान हो जाती हैं।